Hello guys, my name is Pratima Bharti and welcome to my channel. Today in this video, I am going to tell you about causative verbs. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ causative verbs. तो समझते हैं क्या होता है causative verbs. Causative verbs, दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है causative, यानी cause कारण. Causative verbs है guys, make, get, have, help and let. ये सारे आपका है causative verbs. दोस्तों causative आप किस सिचुएशन में यूज करोगे गाइस? जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़ा हो और आपके सामने कोई और व्यक्ति खड़ा है और आप इस व्यक्ति से कह रहे हो कि मैं तुमसे कपड़ा धुलवाऊंगा. लेकिन गाइस यह व्यक्ति कपड़ा धुलने के लिए तैयार नहीं है. अब आप क्या कर लोगे? सामने वाला व्यक्ति कपड़ा धुलने के लिए तैयार तो नहीं है, अब आप क्या करोगे? दोस्तों आप कुछ ऐसा कर दोगे इस व्यक्ति के साथ कि यह व्यक्ति कपड़ा धोने के लिए तैयार हो जाएगा. हो सकता है कि आप इसे रिक्वेस्ट करोगे, डराओगे, धमकाओगे, कजूल करोगे, पटा लोगे, कन्विंस करोगे, फोर्स करोगे. तो इस सिचुएशन में दोस्तों ये होता है आपका कॉजेटिव, यानी यह व्यक्ति कोई कार्य करना नहीं चाहता है लेकिन आप कुछ ऐसा कर देते हो इस व्यक्ति के साथ कि यह व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है. तो ये होता है गाइस आपका कॉजेटिव. अब हम लोग समझते हैं कॉजेटिव वर्ब मेक. गाइस मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेक का मतलब बनाना नहीं है. मेक का मतलब है कॉजेटिव वर्ब. यहाँ पे मेक का मतलब है कॉजेटिव वर्ब. गाइस मेक का आप यूज किस सिचुएशन में करोगे? दोस्तों जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़ा हो और आप सामने वाला व्यक्ति को कह रहे हो कि मैं तुमसे कपड़ा धुलवाऊंगा, लेकिन ये व्यक्ति कपड़ा धोना नहीं चाहता है. अब आप क्या करोगे गाइस? इस व्यक्ति के साथ आप फोर्स करोगे. यह व्यक्ति कपड़ा धोना नहीं चाहता है और आप इस व्यक्ति को फोर्स करोगे. तो जब आप इस व्यक्ति को फोर्स करोगे तो इस सिचुएशन में दोस्तों यूज होता है मेक का. कोई यहाँ पे गेट यूज नहीं होगा, हैव यूज नहीं होगा, हेल्प यूज नहीं होगा, लेट यूज नहीं होगा. क्या यूज होगा? आपका मेक यूज होगा. क्यों मेक यूज होगा? क्योंकि मेक जो है फोर्स को दिखाता है. क्लियर है गाइस? अब हम लोग समझते हैं इसका स्ट्रक्चर. सबसे पहले यूज करना है दोस्तों सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? जो फोर्स करेगा सेंटेंस में, जो फोर्स करेगा वो आपको सबसे पहले लिखना है. फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा. क्लियर है? फिर इसके बाद आप पुट करोगे अकॉर्डिंग टू टेंस. कभी होगा मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग. ये गाइस टेंस के अनुसार चेंज होते रहेगा. फिर इसके बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसा? डूअर, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कार्य करेगा, जो सब्जेक्ट कार्य करवाएगा वो नहीं, जो सब्जेक्ट कार्य को करेगा, जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा वो आपको यूज करना है. यदि कोई फीमेल है तो आप यूज करोगे हर, यदि कोई मेल है तो हिम. इसी तरह से देम, अस, मी. फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फिर इसके बाद आपको यूज करना है गाइस ऑब्जेक्ट. ये है आपका स्ट्रक्चर मेक का. एग्जांपल समझते हैं. मैं अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाऊंगा, यानी मैं कपड़ा खुद नहीं धुलूंगा, मैं अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाऊंगा. यानी मेरी पत्नी कपड़ा धोना नहीं चाहती है लेकिन मैं अपनी पत्नी को फोर्स करूंगा कपड़ा धोने के लिए, तो मेरी पत्नी कपड़ा धो देगी. तो दोस्तों जब कभी भी आप किसी को फोर्स करोगे कुछ कार्य करने के लिए तो वहां पे यूज होगा मेक का. क्लियर है? तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा? फोर्स करने वाला. सबसे पहले यूज करना है फोर्स करने वाला. तो यहाँ पे मैं अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाऊंगा, यानी आई फोर्स करेगा कपड़ा धोने के लिए. तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है आई. फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब.
तो ये सेंटेंस है गाइस फ्यूचर इनडेफिनिट का, और फ्यूचर इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपका? विल आएगा। स्पोकन इंग्लिश में ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है विल। क्लियर है? फिर इसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेक, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा? डूअर, सेंटेंस में जो कार्य को परफॉर्म करेगा। तो इस सेंटेंस में कार्य परफॉर्म कौन करेगा? मेरी पत्नी, माय वाइफ। फिर इसके बाद यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है गाइस आपका? कपड़ा धुलना यानी वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स। मैं अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाऊंगा, आई विल मेक माई वाइफ वॉश क्लोथ्स। अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं तुमसे कमरा साफ करवाता हूँ, मैं तुमसे कमरा साफ करवाता हूँ, यानी तुम कमरा साफ नहीं करना चाहते हो लेकिन मैं तुझे फोर्स करता हूँ कमरा साफ करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे मेक का यूज होगा। तो मैं तुमसे कमरा साफ करवाता हूँ, सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा? जो फोर्स करेगा सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में फोर्स कौन करेगा? मैं यानी आई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये सेंटेंस है गाइस प्रेजेंट इनडेफिनिट, और प्रेजेंट इनडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद मेक, फिर इसके बाद आपको पुट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा? जो सेंटेंस में डूअर होगा, जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करेगा, वो आपको यूज करना है। तो मैं तुमसे कमरा साफ करवाता हूँ यानी तुम ही हूँ। फिर इसके बाद यूज करना है गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब आपका है साफ करवाना यानी क्लीन कमरा, क्लीन द रूम, कोई खास रूम है तो द रूम। मैं तुमसे कमरा साफ करवाता हूँ, आई मेक यू क्लीन द रूम, मैं तुमसे कमरा साफ करवाता हूँ। ये है गाइस आपका मेक। तो जब कभी भी दोस्तों आप किसी व्यक्ति को एक्शन करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए, कार्य करने के लिए फोर्स करोगे, तो वहां पे आपको यूज करना है मेक का। कोई वहां पे गेट का यूज नहीं होगा, हैव का यूज नहीं होगा, और हेल्प का यूज नहीं होगा, लेट का यूज नहीं होगा। ये है आपका एक्टिव कॉजेटिव का मेक। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों मेक से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।